run mein bite. So we have already done compounds of boron mein borax hum kar chuke hain. There are few more compounds of boron to be studied. Usme sabse pehle hum aaj discuss karenge boric acid. Boric acid, a very very important one. Boric acid jo hota hai isko hum ऑर्थो बोरिक एसिड भी बोलते हैं बेटा. दिस इज कॉल्ड एज ऑर्थो बोरिक एसिड. और ऑर्थो बोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3BO3. ये ऑर्थो बोरिक एसिड होता है बेटा, H3BO3 ऑर्थो बोरिक एसिड. ठीक है जी. देखो बेटा, इट्स अ वीक एसिड बेसिकली. ये बोरोन का हाइड्रोक्साइड होता है बेसिकली. देखा जाए तो बोरोन का हाइड्रोक्साइड है. नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं. मेटल के हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं. नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं. तो ये नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड है. अब सबसे पहले तो हम करेंगे इसकी प्रेपरेशन. प्रेपरेशन प्रेपरेशन ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड. देखो बेटा, जब आप प्रेपरेशन की बात करते हो ऑर्थोबोरिक एसिड की, तो सिंपल बात है, वाटर बोरोन को कभी ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है. ये हमने पीछे भी पढ़ा था रिएक्शन विद दैट ऑफ वाटर ऑफ बोरोन, कि बोरोन डायरेक्टली कभी भी वाटर को ऑक्सीडाइज करके हाइड्रोक्साइड नहीं बना सकता है. ठीक. तो क्योंकि वाटर हाइड्रोक्साइड नहीं बना सकता है बेटा, इसलिए इसकी प्रेपरेशन के लिए हमें पहले से बोरोन को ऑक्सीडाइज करके रखना पड़ता है. ठीक. यानी यहां पे हमें बोरोन को धोखा देना पड़ेगा. फोटो हम ऐश्वर्य राय की दिखाएंगे, शादी इसकी राखी सावन से कर देंगे. समझ में आई बात? मतलब क्या कि अगर मान लो हमें बोरोन को बोरिक एसिड में चेंज करना है, तो बोरोन अदरवाइज तो ऑक्सीडाइज होगा नहीं, वाटर को ऑक्सीडाइज करेगा नहीं, तो हम उसको पहले क्लोरीन से ऑक्सीडाइज कर देंगे, क्योंकि क्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो इसका BCl3 बना देगा. ठीक है जी. अब BCl3 बनाया हमने, ऐश्वर्य राय की फोटो इसको दे दी है, और अब हम क्या करेंगे, BCl3 का हाइड्रोलिसिस करवा देंगे. ठीक है जी. तो ये जो H होगा वाटर का, वो Cl को लेके उड़ जाएगा दोस्त, और हमारे पास रह जाएगा BOH का होल थ्राइस, और जो HCl है दैट विल बी गिवन आउट. HCl उड़ी उड़ी हो जाएगा. ठीक. और हमारे पास यहां बोरिक एसिड बन जाएगा. तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, फोटो हमने क्लोरीन की दिखाई, जोड़ बेचारे के साथ OH दिया. ठीक है. तो ये प्रेपरेशन हो गई फ्रॉम दैट ऑफ बोरोन ट्राइक्लोराइड. बोरोन ट्राइक्लोराइड से हम ये प्रेपरेशन कर सकते थे. ये पहली प्रेपरेशन हो गई. ठीक है जी. दूसरी प्रेपरेशन हम इसकी कर सकते हैं फ्रॉम बोरेक्स. हम बोरेक्स से भी इसकी प्रेपरेशन कर सकते हैं. तो पिछली बार हमने बोरेक्स पढ़ा था, तो बोरेक्स का फॉर्मूला होता था Na2B4O7. ठीक है जी. अब हम करना इसमें भी वही है, हमने इसको पहले HCl से रिएक्ट करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ वॉटर. बात वही होनी है कि बेसिकली पहले क्लोराइड बनना है और क्लोराइड फर्दर सोडियम ले जाना है. तो होता क्या है, जिंदगी में कभी भी मेटल देखें और नॉन मेटल देखें, तो जब कभी भी रिएक्शन करवाएं, मेटल देखें और हैलोजन देखें, तो सबसे पहले मेटल का हैलाइड निकाल के बाहर फेंकना. तो भैया यहां मेटल था सोडियम और हैलोजन था क्लोरीन, तो सबसे पहले NaCl बाहर आया. सबसे पहले NaCl बाहर आ गया बेटा, और उसके बाद बाकी जो बचेगा वो सारा वाटर के साथ जुड़ेगा और हमारे पास बनेगा H3BO3, यानी बोरोन का हाइड्रोक्साइड, दैट इज बोरिक एसिड. बैलेंस करते रहेंगे इसको, बैलेंस भी हो गया. तो बोरेक्स के साथ हमने HCl को रिएक्ट करवाया, क्योंकि हमें यहां से Na निकालना था. Na हमें नहीं चाहिए इसके अंदर, तो हमने क्लोरीन की हड्डी डाली और Na को बाहर निकाल लिया. ठीक है जी. बाकी बचा हुआ ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व हो गया. आपको पता था, आपको मैंने बताया था बोरोन का ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक. वाटर में डाल के एसिडिक सॉल्यूशन बनाता है, यानी बोरिक एसिड बनाता है.
तो यहां से बोरोन का ऑक्साइड बचेगा जो वाटर में डिजोल्व होकर बोरिक एसिड बना देगा। तो ये दो तरीके हैं बोरिक एसिड बनाने के, दीज आर टू वे आउट ऑफ बोरिक एसिड। नाउ फर्दर अगली बात आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो बेटे जब आप फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हो इसकी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है क्योंकि टेस्ट की तरह वर्क करती है। सबसे पहली बात होती है इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विद द सोपी टच, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विद सोपी टच। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपने कईयों ने कैरम खेला होगा, कभी कैरम खेलते हुए कैरम के ऊपर एक पाउडर डालते हैं जिसको कैरम पाउडर बोलते हैं। वो कैरम पाउडर और कुछ नहीं होता बेटा, वो कैरम पाउडर क्या होता है हमारे पास, वो कैरम पाउडर बोरिक एसिड का ही पाउडर होता है, क्योंकि इसमें सोपीनेस होती, सिल्कीनेस होती है, तो उसके ऊपर स्ट्राइकर बड़ी आसानी से मूव करता है। इसलिए समझ लेना कि व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विद सोपी टच है, ठीक है जी। रही बात सॉल्युबिलिटी इन वॉटर इज देयर, यानी इट इज सॉल्युबल इन वॉटर, कोई भी एसिड सॉल्युबल होता है वॉटर, सॉल्युबल इन वॉटर, और वॉटर में इट फॉर्म्स एसिडिक सॉल्यूशन, इट फॉर्म्स एसिडिक सॉल्यूशन। देखो बेटे हम कहते हैं कि बोरिक एसिड एक वीक मोनो बेसिक एसिड होता है, यानी वो एक एच देता है, जबकि यहां एच देखने में कितने हैं, तीन, तो फिर ये एक एच कैसे देता है बेटा। एक्चुअली दिस इज अ लुईस एसिड, एक्चुअली दिस इज अ लुईस एसिड। लुईस एसिड कौन होता है, लुईस एसिड कौन होता है बेटा, जिसका इलेक्ट्रॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सके, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सके। तो जब आप इसको वाटर में डालते हो तो BOH का होल थ्राइस, आप ध्यान दो जरा, इसका मतलब बोरोन के साथ तीन OH लगे हैं, इसका मतलब बोरोन के साथ तीन OH लगे हुए हैं एक्चुअली, ठीक है जी, तीन OH लगे हुए हैं, क्लियर। उसकी वजह से बोरोन के आसपास इलेक्ट्रॉन पेयर देखो कितने हुए, देयर विल बी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, सो देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स इन बोरोन, और 6 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा इसी वजह से दिस इज लुईस एसिड। अब लुईस एसिड को जब भी ब्रोंस्टेड एसिड में चेंज करना, बेसिसिटी का मतलब होता है एच पॉजिटिव देना, और एच पॉजिटिव देते ब्रोंस्टेड एसिड या अरहेनियस एसिड, तो जब कभी भी किसी लुईस एसिड को ब्रोंस्टेड एसिड या अरहेनियस एसिड में चेंज करना होता है उसको वाटर में डालना, तो हमने इसको वाटर में डाल दिया। जब इसको वाटर में डाला, वाटर से एक OH और ले लेगा, BOH का होल फॉर वन नेगेटिव, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और वाटर से एक H मिला, तो इट रिलीजेस वन H इन वाटर, देयरफॉर वीक मोनोबेसिक एसिड है, वीक मोनोबेसिक एसिड, इसीलिए इसको वीक मोनोबेसिक एसिड बोला जाता है। और इस रिएक्शन का अगर आप के ए देखेंगे, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, सो दैट इज 1 × 10⁻¹-9, माइनस नाइन का मतलब बहुत ही कम, इसका मतलब प्रोडक्ट बहुत कम, रिएक्टेड बहुत ज्यादा, इसका मतलब ये रिएक्शन आगे कम जाता है, और अगर ये रिएक्शन आगे कम जाता है तो एसिड वीक ही होगा, एच पॉजिटिव देना इसके लिए मुश्किल होगा, तो वीक मोनोबेसिक और मोनोप्रोटिक एसिड हो गया, ठीक। ऐसे ही ये वाटर में डिसॉल्व भी कर जाता है, ठीक है बच्चे। अब रही बात इसकी स्टेप डिहाइड्रेशन, प्लीज ये बहुत ध्यान से देखना, ठीक, स्टेप डिहाइड्रेशन इसकी कैसे होती है, जब इसको हीट करें, ऑन हीटिंग इट गिव्स स्टेप डिहाइड्रेशन, यानी स्टेप्स में डिहाइड्रेशन होती है, और ये देखिए बहुत इजी है और ये पेपर में क्वेश्चन आता बहुत है। देखो बेटे H3BO3, इसको आपने हीट किया तो बेटा वाटर यहां से निकलेगा, तो वाटर निकल गया,
वॉटर निकलने के बाद क्या बचा? HBO2. देखो दो H निकल गया, एक O निकल गया, तो HBO2 बच गया. ठीक, इसको बोलते हैं मेटाबोलिक एसिड. देखो बेटा, कभी भी और दो एसिड में से एक वाटर निकाल दो तो मेटा एसिड होता है. क्या होता है? अगर कभी भी और दो एसिड में से एक वाटर निकाल दो तो वो मेटा एसिड कहलाता है. ये आगे जब मैं तुम्हें एसिड्स करवाऊंगा तो समझाऊंगा कि मेटा कहां लगाते हैं और दो कहां लगाते हैं. बट यहां और दो तो लगा ही हुआ है, एक वाटर निकाल दिया तो वो मेटाबोरिक एसिड, ये और दो बोरिक एसिड था, ये और दो बोरिक एसिड था, और वाटर निकालने के बाद बना मेटाबोरिक एसिड. मेटाबोरिक एसिड, खास बात याद रखना, मेटा एसिड हमेशा या तो साइक्लिक ट्राइमर या साइक्लिक टेट्रामर और या पॉलीमर बना के रहते हैं. क्या बोलोगे? मेटा एसिड ऑलवेज एग्जिस्ट एज, ऑलवेज एग्जिस्ट एज एज साइक्लिक ट्राइमर, ट्राइमर टेट्रामर, टेट्रामर और पॉलीमर. जितने भी मेटा एसिड हमारे पास दुनिया में आएंगे वो सारे के सारे हमेशा या तो ट्राइमर रहेंगे या टेट्रामर रहेंगे, यानी यहां तीन तीन जुड़े रहेंगे या चार चार जुड़े रहेंगे या फिर पॉलीमर रहेंगे. तो मैंने यहां पे क्या किया, मैंने ये अभी जो बनाया था वो टेट्रामर बन गया, यानी चार ही आपस में जुड़ गए, तो ये इसका टेट्रामर हो गया. दिस इज टेट्रामर ऑफ मेटाबोलिक एसिड, ये मेटाबोलिक एसिड का टेट्रामर है, ये चार चार जुड़े हैं. अब हम हीट तो कर ही रहे हैं, हम तो हीटिंग की बात कर रहे हैं, हीट करेंगे तो यहां से एक और वाटर निकालो, एक और वाटर निकाला, दो एच रह गए, तो यहां लिखो एच टू, बी कितने रह गए चार, ओ चार इंटू दो कितने थे आठ, आठ में से क्या एक कितने बचे सात, तो ये बन गया. इसको बोलेंगे टेट्राबोरिक एसिड, चार से मिलके बना था तो इसका नाम दे देंगे टेट्राबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड. ठीक, अब आप इस टेट्राबोरिक एसिड को हीट कर दो, हीट ही तो करना है, एक और वाटर निकलेगा, तो जब यहां से H2O निकाल दोगे बचेगा क्या, B4O6, वाटर निकलेगा B4O6, जिसको बेटे अगर सिंप्लीफाई करके लिख दिया जाए तो B2O3 लिखेंगे ना भाई. ठीक, इसीलिए ये बोरिक ऑक्साइड को, बोरोन ऑक्साइड को हम बोरिक एनहाइड्राइड बोलते हैं, बोरिक एनहाइड्राइड बोलते हैं. So that is why it is called as boric anhydride. क्योंकि boric acid का सारा water निचोड़ने के बाद जो oxide बचता है वो ये होता है, इसलिए इसको boric anhydride भी बोला जाता है. Clear? And the last one in this, which is important, that is its reaction with alcohol. बहुत ही important सा reaction है alcohol के साथ, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे. ठीक, अब लास्ट में लिखेंगे रिएक्शन विद अल्कोहल, रिएक्शन विद अल्कोहल, अल्कोहल. अब बेटा अल्कोहल के साथ रिएक्शन देखिएगा, H3BO3 प्लस अल्कोहल C2H5OH, C2H5OH अल्कोहल. देखो बेटे, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे समझाऊं तुम्हें कि मेरे पास अल्कोहल एसिडिक होती है, DOH का होल थ्राइस है, और यहां पे हमारे पास ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है और ये भी अल्कोहल है. ठीक, और अल्कोहल एसिडिक होती है, वो H देती है, तो यहां से OH निकलेगा और यहां से H निकलेगा, तीन वाटर निकले, तीन वाटर तो निकल गए, पर साथ बन गया C2H5O का होल थ्राइस B. ठीक, और तीन निकले वॉटर. बेटा इसको हम बोलते हैं ट्राई इथाइल बोरेट. क्या बोलते हैं? ट्राई इथाइल बोरेट.
ट्राइथाइल बोरेट. सो दिस इज ट्राइथाइल बोरेट. इतना इंपॉर्टेंट क्यों बेटा? इट बर्न्स विद ग्रीन एज्ड फ्लेम. जो ट्राइथाइल बोरेट होता है इट बर्न्स विद ग्रीन एज्ड फ्लेम. बर्न्स विद ग्रीन एज्ड फ्लेम. ग्रीन एज्ड फ्लेम. और ये इसीलिए टेस्ट होता है फॉर बोरेट आयंस. जहां पे भी हमारे पास BO3 नेगेटिव आयंस होते हैं उसका ये टेस्ट होता है कि उसको इथाइल अल्कोहल में टेट्राइथाइल बोरेट बनाते हैं और वो ग्रीन एज्ड फ्लेम से जलता है बेटा. सो दिस इज यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ बोरेट्स. BO3 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव BO3 3 नेगेटिव का टेस्ट होता है. दिस टेस्ट फॉर बोरेट आयंस. तो बेटा बोरिक एसिड कैसे बनता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसकी डिहाइड्रेशन कैसे होती है, उसकी एक ही केमिकल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, वो आपको सामने करवा. अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड. पहले बोलो ये समझ में आ गया? यस लिखो तो आगे चलो. जल्दी जल्दी यस लिखना. यस सर. सो अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की. वेरी 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 इंपॉर्टेंट होता है इसका स्ट्रक्चर. ठीक, देखो बेटे अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूं, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं. अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूंगा, केमिकल बॉन्डिंग हमने प्लस वन में शायद थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, तो H3BO3 में जो हमारा बोरोन है, बोरोन इज एक्चुअली sp2 हाइब्रिडाइज्ड. बोरोन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है. और sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब क्या होगा कि भैया इसमें ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनना चाहिए. तो ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा और हर एक जगह पे OH होना चाहिए. तो स्ट्रक्चर तो ये होना चाहिए था. बट एक्चुअली होता क्या है, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये काफी सारे बोरिक एसिड आपस में जुड़ के लार्ज स्ट्रक्चर बनाते. So, लार्जर स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड कैसे बनेगा? लार्जर स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड, लार्जर स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड. देखो बेटा लार्जर स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड में क्या होता है, बोरेट आयंस में हाइड्रोजन वर्क एज ब्रिजेस. क्या बोलोगे? बोरेट आयंस में हाइड्रोजन वर्क एज ब्रिजेस. इन बोरेट आयंस BO3 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव बोरेट आयंस हाइड्रोजन वर्क एज ब्रिजेस. हाइड्रोजन वर्क एज ब्रिज. तो बच्चे ये समझो कैसे, कैसे ब्रिज? एक बोरोन मैंने यहां बनाया, ठीक है जी, एक बोरोन मैंने यहां बनाया, दो हो गए बोरोन, ठीक है जी. इसी तरह से बेटे मैंने और बोरोन भी बनाने हैं, ठीक है. एक बोरोन मैं थोड़ा यहां जैसे बना देता हूं, एक बोरोन मैं थोड़ा यहां जैसे बना देता हूं, देखने में थोड़ा दूर दूर से बना दिए ताकि आपको स्ट्रक्चर पूरी तरह से मैं समझा सकूं. और हमें पता है इसका 3 O जुड़े हुए हैं. तो भैया एक ओ यहां, ठीक है. सिमिलरली यहां पे भी एक ओ, यहां पे भी एक ओ और यहां पे भी एक ओ. ठीक है दोस्तों, क्लियर? अब वहीं पर अगर हम ध्यान देंगे तो यहां पे भी एक ओ होगा, यहां पे भी एक ओ होगा, यहां पे भी एक ओ होगा. सिमिलरली अगर इधर भी ध्यान देंगे, यहां पे एक ओ, यहां पे एक ओ, यहां पे एक ओ. ठीक है, ये स्ट्रक्चर बोरेट आयंस के स्ट्रक्चर है. ये मैंने ऐसे बना लिया. अब बोरेट आयन में मैंने कहा हाइड्रोजन वर्क्स एज ब्रिजेस. इसका हाइड्रोजन यू लगा हुआ है और आगे ये कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा हो, ठीक है. इसका हाइड्रोजन ये लगा हुआ है, ये आगे कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा, ठीक है जी. इसी तरह से इसका हाइड्रोजन मान लो मैंने यू नीचे दिखा दिया, तो ये इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा.
इसी तरह से इसका ओ इधर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इसी तरह से इसका एच इधर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक इसी तरह से इसका एच इधर हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा, या आप ये समझ लो इसका एच यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा और इसका एच कहीं और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक। सिमिलरली इसका एच यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा तो इसका एच कहीं और बनाता होगा भाई, ठीक। इसका एच यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो इसका एच कहीं और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता होगा, इसका एच कहीं और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता होगा। तो आप क्या देख रहे हैं, बोरेटाइन में एच एक साइड से जुड़ा है कोवेलेंट बॉन्ड से, एक साइड से जुड़ा है कोवेलेंट बॉन्ड से और एक साइड से जुड़ा है हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो एच बोरेट आयंस के बीच में जुड़ा है एक साइड से हाइड्रोजन बॉन्ड से, एक साइड से जुड़ा हुआ है किससे, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड से। आपको कौन सा स्ट्रक्चर बना के दिखाना है तो इतनी पेचीदगी से सोचने की अभी जरूरत नहीं है, प्लस वन में थी अभी इतनी जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ ये समझना है कि बोरेट आयन थे और बोरेट आयन में हाइड्रोजन वर्क्स एज ब्रिजेस, हाइड्रोजन वर्क्स एज ब्रिजेस। तो आप देखो ये हाइड्रोजन ये इन दो ऑप्शन के बीच का ब्रिज है, एक साइड कोवेलेंट बॉन्ड एक साइड हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन इन दो ऑक्सीजन के बीच का ब्रिज है, एक साइड ये कोवेलेंट बॉन्ड एक साइड ये हाइड्रोजन बॉन्ड, इस तरह ये हाइड्रोजन इन दो ऑक्सीजन के बीच का ब्रिज है, ये कोवेलेंट बॉन्ड ये हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन बोरेट आयंस, इसमें एक साइड हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है और दूसरी साइड से हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है और उसकी वजह से वी गेट अ लार्जर स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हो जाता है बोरिक एसिड का। मेरे प्यारे बच्चों बोलो बेटे क्लियर हो गया बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर कि नहीं हो गया, जल्दी जल्दी बोलो बेटा, टाइम बहुत कम होता है हमारे पास, पढ़ना बहुत ज्यादा होता है, एक तो पहले ही मैं तुम्हें प्लस वन से करवा रहा हूं। ओके अगली बात देखें, अगली बात हमारे पास आएगा यूज ऑफ बोरिक एसिड। देखो बेटे बोरिक एसिड जो होता है ना ये एक तरह से घर पे रखने वाली मस्ट हैव चीज है, मस्ट हैव चीज यूज ऑफ बोरिक एसिड, यूज ऑफ बोरिक एसिड, बोरिक एसिड का यूज। मैंने कहा कि बोरिक एसिड हमारे घर पे रखने वाली सबसे असेंशियल चीज है, इतने काम है इसके, इतने काम है इसके कि ये बहुत जगह यूज होता है। सबसे पहली बात अगर आपने कैरम खेलना हो है ना, तो बिकॉज ऑफ इट्स सॉफ्ट एंड स्टिकी स्टिकीनेस, ठीक यानी बहुत ही सॉफ्ट होने की वजह से, सिल्की होने की वजह से इसको यूज करते हैं एज कैरम पाउडर, यूज्ड एज कैरम पाउडर। पर वो तो छोड़ो यार, ये तो सिंपल बात है, इट इज अ वेरी गुड एंटीसेप्टिक, इट इज अ वेरी गुड एंटीसेप्टिक, गुड एंटीसेप्टिक। देखो बेटे घर पे रखना इसको इसलिए जरूरी, कभी कभी कट लग जाए कोई बूंद हो जाए तो बेटा बोरिक पाउडर छिड़क देना चाहिए उसके ऊपर, ये बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक होता है। इट इज अ वेरी गुड आई वॉश, इट इज अ वेरी गुड आई वॉश, ये बहुत ही अच्छा आई वॉश होता है। मेरे बच्चों आजकल गर्मियां हैं तो होता क्या है, कई बार आई फ्लू हो जाता है बच्चों, ठीक, या आंखों में कोई ना कोई परेशानी हो जाती है। आप बोरिक पाउडर लो, उसको ल्यूक वार्म वाटर में डालो, हल्के से गर्म पानी में, अरे ज्यादा गर्म में मत डाल देना आग जला दोगे, ठीक है जी। तो बहुत ही डाइल्यूट माइल्ड सॉल्यूशन बनाना है, ठीक, और क्या क्या करना है, थोड़ा सा बोरिक एसिड ल्यूक वार्म वाटर में डालना, उससे आईज वॉश करनी, तो सारी प्रॉब्लम्स दूर, ठीक। इट्स अ वेरी गुड आई वॉश, मोर ओवर इट इज अ गुड प्रिजर्वेटिव, इट इज अ वेरी गुड प्रिजर्वेटिव, वेरी गुड फूड प्रिजर्वेटिव। ये फूड प्रिजर्वेटिव होता है क्योंकि इसका अपना कोई टेस्ट तो है नहीं, वैसे एसिड्स खट्टे होते हैं,
पर इतना वीक होता है कि इसका कोई अपना कोई खास टेस्ट नहीं होता है बेटा। तो जैसे मान लो घर पे मेहमान आने वाले थे, आपने खूब सारी दाल बना ली, अभी क्या हुआ मेहमान ने फोन कर दिया आज तो नहीं आ पाएंगे, अब आपको आ गया गुस्सा, यार अब ये दाल कौन खाएगा इतनी सारी, हम तो मेहमान को खिलाएंगे, कल आएंगे कोई बात नहीं, हमने उसमें बोरिक पाउडर डाल के रख दिया थोड़ा सा, वो खराब ही नहीं होगी क्योंकि इट इज अ वेरी गुड प्रिजर्वेटिव। तो ये इसके मेजर फंक्शन है बेटा, ठीक है। प्रिजर्वेटिव भी बहुत अच्छा है, एंटीसेप्टिक बहुत अच्छा है, ठीक है। फिर ये बोरोसिलिकेट ग्लास बनाने में यूज होता है, यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास, ये बोरोसिलिकेट ग्लास बनाने में यूज होता है। बोरोसिलिकेट ग्लास समझते हैं जिससे बेटा लेबोरेटरी वेयर्स बनते हैं जो हीट रेजिस्टेंट होता है, ठीक। तो बोरोसिलिकेट ग्लास जो है वो इसी से बनता है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको पानी की तरह क्लियर हो गई होगी। तो बोरी कैसे पूरी तरह से समझ में आ गया तो यस लिखें, नहीं आया तो नो लिखें, फिर आगे चलते हैं। ओके, तो बेटा जी ये बोरिक एसिड था, हमने पहला कंपाउंड इसका पढ़ लिया। नाउ सेट, पहला कंपाउंड तो बोरेस पढ़ा था, ये दूसरा कंपाउंड हमने बोरोन का पढ़ा, बोरिक एसिड। अब हम तीसरे कंपाउंड की बात करने जा रहे हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक। 10,000 वेरी लगा दो, फिर उसके बाद वेरी लगा के फिर वेरी इंपॉर्टेंट लिख देंगे, ठीक। इट इज हाइड्राइड्स ऑफ बोरोन, हाइड्राइड्स ऑफ बोरोन, बोरोन के हाइड्राइड। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट हाइड्राइड्स ऑफ बोरोन मतलब क्या हुआ है, यानी हाइड्रोजन का बोरोन के साथ रिएक्शन। एक्चुअली हाइड्रोजन बोरोन से डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता, यहां पे भी वही कहानी दोहरानी पड़ती है कि फोटो किसी की शादी किसी के साथ है ना, तो ये हाइड्राइड बनाता है बोरोन। हाइड्राइड जो होते हैं बोरोन के दो तरह के होते हैं, एक जिनको बोलते हैं नीडोबोरेन्स, एक जिनको बोलते हैं नीडोबोरेन्स, नीडोबोरेन्स, और एक जिनको बोलते हैं अरेक्नोबोरेन्स, अरेक्नोबोरेन्स, एक नीडोबोरेन्स और दूसरे अरेक्नोबोरेन्स। बेटे जब तुम नीडोबोरेन्स की बात करते हो, नीडोबोरेन्स जिनका फॉर्मूला BnHn+4 होता है, नीडोबोरेन्स वो जिनका फॉर्मूला BnHn+4 होता है, और अरेक्नोबोरेन्स वो जिसका फॉर्मूला BnHn+6 होता है, ठीक, BnHn+6। जैसे कि अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट कर देता हूं, n की वैल्यू 2 पुट कर देता हूं तो मेरे पास क्या फॉर्मूला आता है बेटा जी, n की वैल्यू अगर 2 पुट कर दूं इसमें तो इसमें आ जाएगा B2H6, जिसको हम डाइबोरेन बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभी आगे पढ़ाना, ठीक। इसी तरह से अगर मैंने 3 पुट कर दिया तो B3H, 3+4 कितना हो गया 7, ठीक है जी, क्लियर, B3H7 ट्राइबोरेन। वैसे ये बनता नहीं ट्राइबोरेन, ये इतना स्टेबल होता नहीं है भाई हमारे पास, ठीक। और उसी तरह से बेटा आपका टेट्राबोरेन होता है, ठीक। फिर आएगा पेंटाबोरेन, B5H5+4, 9, इसको बोल देते पेंटाबोरेन, इसको बोल पेंटाबोरेन, पेंटाबोरेन। ट्राइबोरेन जो है वो इतना स्टेबल नहीं होता, इसलिए पाया नहीं है। ये सारे ऐसे इस फॉर्मूला में पुट करते जाओ तो नीडोबोरेन्स, और अगर मैं ऐसा लिखूं B4, 4+6, 10, H10, अब इसमें फॉर्मूला ये लगा तो ये टेट्राबोरेन है, टेट्राबोरेन है, पर ये अरेक्नोबोरेन है, ये कैसा है अरेक्नोबोरेन है। ऐसे ही अगर मैं B5 और H11 लिख दूं, ये पेंटाबोरेन है, इसको पेंटाबोरेन बोलते हैं। पर सर पेंटाबोरेन तो आपने यहां पे भी लिखा,
और सर पेंटाबोरेन आप यहाँ पे भी लिख रहे हो, हमें कैसे पता चलेगा बेटा? सिर्फ इसके आगे 9 लिखा जाता है, इसके आगे 11 लिखा जाता है, तो समझ में आता है 11 हाइड्रोजन वाला ये अरेक्नोबोरेन है और 9 हाइड्रोजन वाला पेंटाबोरेन ये नीडोबोरेन है। ऐसे करके आप सिर्फ हाइड्रोजन का, अब जैसे यहां पे B6H6+10 इसको हेक्साबोरेन 10 बोल दोगे, हेक्साबोरेन 10 ठीक फॉर्मूला ये हो रहा है नीडोबोरेन में। और वहीं पर B6H12 यानी यहां 6+6 तो बेटा ये भी हेक्साबोरेन है लेकिन ये हेक्साबोरेन 12 है, दिस इज हेक्साबोरेन 12। तो ऐसे नीडोबोरेन whether this is arachnoborane or whether this is what you can say. अगली कहानी पकड़ते बेटा, तो हम हाइड्राइड ऑफ बोरेन में सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्राइड जो पकड़ने जा रहे हैं वो है डाइबोरेन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डाइबोरेन यानी B2H6। मैंने आपको बता दिया था कि बोरोन डायरेक्टली कभी भी हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करता, बोरोन डज नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विद हाइड्रोजन बिकॉज हाइड्रोजन इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो भैया इसके साथ भी वही कहानी दोहरानी पड़ेगी जो हम पहले से दोहराते आए, क्या करना पड़ेगा कि हमें पहले इसकी शादी करवानी पड़ेगी भाई किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक क्लोरीन के साथ, हम इसको BCl3 बनाएंगे और फिर क्लोरीन से ऑक्सीडाइज करने के बाद इसके ऊपर हाइड्रोजन को छोड़ देंगे। अब हाइड्रोजन चुन चुन के क्लोरीन निकाल लेगा, ठीक है जी, हाइड्रोजन जो है वो चुन चुन के क्लोरीन निकाल के B2H6 बना देता है और HCl उड़ी उड़ी हो जाता है, HCl यहां से बाहर निकल जाएगा, ठीक है जी। तो ये पहला तरीका हुआ इसका, मेथड वन, ठीक, दैट इज फ्रॉम बोरोन क्लोराइड, बोरोन ट्राई क्लोराइड, बोरोन ट्राई क्लोराइड से हम इसको ऐसे बनाए, ठीक, B2H6 और HCl बाहर निकल जाएगा। इसी तरह से हम चाहते तो हम एक और काम कर सकते थे, इसको इससे भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करा सकते, जैसे फ्लोरीन, ठीक। अब हमने मान लो BF3 बना दिया, अब फ्लोरीन जो है ना उसका बॉडी बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है यार, तो उसको हड्डी डालनी पड़ेगी, सीधे हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं करना पड़ेगा, हड्डी किसकी डालेंगे, कोई मेटल की, कोई मेटल की डाल देंगे हड्डी, मेटल हाइड्राइड रिएक्ट करवा देंगे, मेटल हाइड्राइड। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था जहां मेटल देखे हाइड्रोजन देखे तो पहले मेटल का हैलाइड बाहर निकालना, तो भैया क्या निकालोगे, लिथियम फ्लोराइड, और बचा क्या, बचा वही B2H6, ठीक। अब अगर हाइड्राइड यूज करना है तो बेटे हम कोई भी जैसे लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस किया जा सकता है, लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड से भी इसको रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक, बैलेंस वैलेंस करते रहेंगे, लिथियम का भी क्लोराइड बनेगा LiCl, अल्मोनियम का भी क्लोराइड बनेगा Al2Cl6, ठीक है जी, Al2Cl6 या सिंपली AlCl3, बाकी बचेगा B2H6। तो तरीका वही है, यहां से H नेगेटिव को रिएक्ट करवाना, यहां से H नेगेटिव को रिएक्ट करवाना, क्यों, क्योंकि बोरोन जो है वो पॉजिटिव है तो हमें इसको नेगेटिव हाइड्रोजन देना था, तो नेगेटिव हाइड्रोजन है और ये बोरोन पॉजिटिव है, आपस में आसानी से जुड़ जाएंगे। तो दीज आर द फॉर्मेशंस। पर लेबोरेटरी में कैसे बनाएंगे बेटा, लेबोरेटरी में हम ऑलरेडी हाइड्राइड से इसको बनाते हैं, लेबोरेटरी प्रेपरेशन, लेबोरेटरी प्रेपरेशन देखो बेटे, लेबोरेटरी प्रेपरेशन में हम लेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड,
NaBH4, इसमें ऑलरेडी हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन। ठीक, हमें सिर्फ क्या करना होगा, हमें सोडियम को बाहर निकालना होगा, बस हमारा मेजर काम है सोडियम को बाहर निकालना, और हम कुछ नहीं करना चाहते हैं। अब सोडियम को बाहर निकालेंगे तो कोई हैलोजन चाहिए। अब हैलोजन अगर कहीं फ्लोरीन क्लोरीन जैसा यूज किया तो बेटे प्रॉब्लम ये होगी, एक्सप्लोजन हो सकता है। ऐसा ना हो डाइबोरेन बनाने के चक्कर में फोटो पे हार पड़ जाए, है ना भाई, तो उससे बचना है। इसलिए हमने थोड़ा सा लेस रिएक्टिव आयोडीन डाल दी। तो बेटे ये तो समझ में आया कि NaI बाहर आई, जहां मेटल देखा हैलोजन देखा उसको तो बाहर निकाल ही दिया NaI, बचा हुआ B2H6 और थोड़ी बहुत हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी, बची हुई हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी। सो दिस इज हाउ कैन वी प्रिपेयर डाइबोरेन। ये डाइबोरेन ऐसे बनाते हैं, और बेटा हायर बोरेन्स बनाते हैं तो हायर बोरेन्स में बस ऐसे, अब बस एक बार डाइबोरेन बन गया उसके बाद उसको हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाते जाओ तो हायर बोरेन्स बन जाते हैं। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हायर बोरेन्स वी हैव टू रिएक्ट दीज बोरेन्स विद हाइड्रोजन, स्ट्रॉन्गली हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो वो बड़े वाले बन जाएंगे। पर इंपॉर्टेंट बात ये नहीं थी बेटा, इंपॉर्टेंट बात है इसके स्ट्रक्चर की। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। बेटा प्लीज थोड़ा इधर ध्यान देना, अत्यंत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ठीक, देखो बेटे बोरोन की अगर कॉन्फ़िगरेशन देखे ग्राउंड स्टेट, सो दैट इज 1s2 2s2 2p1, यानी s में दो इलेक्ट्रॉन और p में इकलौता इलेक्ट्रॉन। अब जब हम इसको एक्साइट करेंगे तो एक्साइट करते हुए ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर जाए। ठीक, तो जब मेरे प्यारे बच्चे एक्साइटेड बोरोन बनाएंगे, एक्साइटेड स्टेट, तो भैया 2s में एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और 2p में दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब ध्यान देना थोड़ा सा, एक हाइड्रोजन यहां पे बॉन्ड बना रहा होगा ऑब्वियसली, एक हाइड्रोजन यहां बॉन्ड बना रहा होगा वेरी ऑब्वियसली, एक हाइड्रोजन यहां बॉन्ड बना रहा होगा उससे भी ज्यादा ऑब्वियसली। ठीक, तीन तो ये होंगे, पर उससे क्या होगा, उससे होगा ऐसा कि ये बोरोन ये उसका ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की टुंडी बड़ी एक टुंडी छोटी, एक टुंडी बड़ी एक टुंडी छोटी, ठीक ऐसे दिखा दिया कर, एक लोब बड़ी एक छोटी, यहां हाइड्रोजन ओवरलैप हो गया, यहां पे भी हाइड्रोजन और यहां पे भी हाइड्रोजन, ये गोल गोल हाइड्रोजन है और ये पी ऑर्बिटल्स हैं, जैसा कि आपको पता है। पर हमें एक बात पता चली कि एक पी ऑर्बिटल यहां जो था वो खाली था, जिसको मैं डॉटेड बना रहा हूं, ऐसे मेरे को डॉटेड बनाना नहीं था पर सिर्फ समझाने के लिए मैं थोड़ा डॉटेड बना देता हूं। ये वाला खाली एम्प्टी ऑर्बिटल है। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों दूसरा भी कोई डायबोरेन होता होगा, दूसरा भी कोई बोरेन होता होगा, तो उसमें ऐसे ही हाइड्रोजन ये होंगे, हाइड्रोजन ये होंगे और एक ये लोब होगा। ठीक, रुक जाओ जरा, जो इसका खाली ऑर्बिटल होगा वो H और बोरोन के इस ओवरलैप को ओवरलैप कर जाएगा। जो खाली वाला था वो इस H और बोरोन के क्लाउड को ओवरलैप कर जाएगा जो उन्होंने शेयर किया, और इसने भी शेयर किया था तो इसका खाली इसको ओवरलैप कर जाएगा। यानी ये खाली ऑर्बिटल ओवरलैप्स द ओवरलैप्ड ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एंड बोरोन, उसकी वजह से हमारे पास यहां एक स्पेशल तरह का बॉन्ड बनेगा, ये स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड बनेगा। इस स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड में देखें इलेक्ट्रॉन तो दो ही है, एक बोरोन का है एक हाइड्रोजन का, ये तो खाली है, बट उसके मालिक तीन हो गए, एक ये बोरोन एक ये हाइड्रोजन और एक ये बोरोन,
तो ये जो बीच वाले होते हैं इनको बोल देते हैं टू इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर्ड बॉन्ड्स, टू इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर्ड बॉन्ड। और प्यार से इनको नाम दिया जाता है बनाना बॉन्ड, शेप देखो केले की तरह है ना, है ना, तो इनको बनाना बॉन्ड बोलते हैं। मजाक नहीं बोल रहा हूं भाई, नाम ही बनाना बॉन्ड है, और सोचे सर मजाक कर रहे हैं, इज नॉट मजाक, ठीक। तो इसमें दो बनाना बॉन्ड आ गए, तो बीच में दो बनाना बॉन्ड बनाना, और साइड के ये हमारे पास टू इलेक्ट्रॉन टू टू सेंटर्ड बॉन्ड है, ठीक। यानी इस स्ट्रक्चर को जब हमने बनाया तो इसमें इस बोरोन के साथ ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इस बोरोन के साथ ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और बीच का जो हाइड्रोजन है वो इधर ब्रिज्ड है, दैट इज कॉल्ड एज ब्रिज्ड हाइड्रोजन। और ये जो है ये बेसिकली ऐसे करके हमने इसके बनाना बॉन्ड बनाए, इसमें हमने बनाना बॉन्ड बनाए हैं, बीच में हाइड्रोजन है, ठीक है जी, बनाना बॉन्ड में ये हाइड्रोजन है भाई, समझ में आई कि नहीं आई, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन बोरोन का और हाइड्रोजन का है, इलेक्ट्रॉन दो ही है लेकिन उसके मालिक तीन हो जाते हैं, तो इसमें दो टू इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर्ड बॉन्ड हुए, एक और दो, और चार टू इलेक्ट्रॉन टू सेंटर्ड बॉन्ड हुए, ये जो साइड वाले हैं। ये जो बीच वाले हैं इनको बोलते हैं कि ब्रिज्ड हाइड्रोजन, ये ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं, ये ब्रिज्ड हाइड्रोजन है, और ये यहां वाले हैं ये टर्मिनल हाइड्रोजन कहलाते हैं, टर्मिनल हाइड्रोजन। अब लास्ट बात जो इसमें समझनी है कि स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर होता है, ये स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर होता है। नॉन प्लेनर का मतलब क्या है, मतलब यह है कि अगर बोरोन का ये वाले हाइड्रोजन टर्मिनल हाइड्रोजन, इसको मैं ऐसे शो कर रहा हूं, ये डैश हो गया, डैश होता अवे, और इसको मैं ऐसे शो कर रहा हूं मोटी लाइन से, ये हो गया टूवर्ड्स। इसी तरह से ये जो होगा यहां पे, ये अवे हाइड्रोजन हो गया, ये टूवर्ड्स हाइड्रोजन हो गया, और ये बीच में ये ब्रिज्ड हाइड्रोजन हो गया। मतलब समझो कि अगर टर्मिनल हाइड्रोजन इस प्लेन में है आगे पीछे, तो ब्रिज्ड हाइड्रोजन ऐसे ऊपर नीचे है, टर्मिनल आगे और पीछे, ब्रिज्ड ऊपर और नीचे, ताथई पोजीशन समझ लो, ताथई, ये ता और ये थई है ना भाई, समझ में आई। तो ये आगे पीछे, यानी ये वाला हाइड्रोजन बोर्ड से पीछे, ये वाला हाइड्रोजन तुम्हारे नाक पे, ये वाला बोर्ड से पीछे, ये तुम्हारे नाक पे, और ये दोनों हाइड्रोजन बोर्ड पे। सो इट इज हैविंग अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। और मजे की बात है कि अब जो बोरोन होगा वो sp2 नहीं, चार बॉन्ड बना रहा है, तो sp3 हाइब्रिडाइज माना जाएगा, इट विल बी sp3 हाइब्रिडाइज, नॉट sp2 हाइब्रिडाइज। और इसीलिए हम बोलते हैं कि जब हम डाई बोरेन को B2H6 को, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसको हीट करते हैं, तो ये बोरेन बनाता टूट जाता है और sp2 हो जाता है, तो हीट करने पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाती है, sp3 से sp2 हो जाती है। अब sp3 का जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए वो 109 होना चाहिए, पर ये बोरोन इस साइड खींच रहा होगा, इस साइड खींच रहा होगा, तो अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूं, थोड़ा ध्यान दें, ऐसे करके, है ना जी, तो जब ये खींचेंगे इसको, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर, पर हाथ नहीं छोड़ना, तो ये बीच वाला देखो पहले पास लेके आओ, अब दूर लेके जाओ, तो बीच वाला एंगल छोटा होता जा रहा है कि नहीं, तो ये जो बीच वाला एंगल है ये नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से छोटा 97 डिग्री हो जाता, और ऑब्वियसली ये वाला एंगल बड़ा हो जाएगा 120 डिग्री के करीब हो जाता है। उसी तरह से ये वाले हाइड्रोजन के लॉन्ग, ये बॉन्ड लेंथ लंबी होती है, बॉन्ड लेंथ लॉन्ग, और ये टर्मिनल वाली बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, शॉर्ट।
ठीक, क्योंकि ये बोरोन भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, तो ये वाले बॉन्ड लंबे हो जाएंगे जबकि ये वाले बॉन्ड छोटे रह जाएंगे। बोलो बेटा, स्ट्रक्चर समझ में आता है कि पिछला भी चला जाता है? जल्दी बोलना, जल्दी, स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी बेटा यस नो बोलो। जय का यस आया अभी तक सिर्फ मेरे पास। यस सर। अवनीत का भी यस आ गया। हिरेन बेटे समझ में आ रहा है कि नहीं यार? मिस्टर हिरेन महाजन, चरण का यस आ गया, साहिल का भी यस आ गया मेरे पास। हिरेन जी मेरे को लगता है सो गए हैं। उठ जाग प्यारे। महाजन साहब जाग लो यार, नहीं जागेंगे। चलो, तो ऐसे करके स्ट्रक्चर हो गया डाइबोरेन का। अब हम डाइबोरेन की करेंगे प्रॉपर्टीज की बात। स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ लिया। बनाना बॉन्ड्स होते हैं इसमें दो, तो देयर आर टू बनाना बॉन्ड्स, दोनों केले खाने नहीं है, ठीक, ये इसी में रहने देने हैं, टू बनाना बॉन्ड्स आर देयर। अब हम करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन। प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ नहीं है, येट जो दो चार पांच है हम जरूर करना चाहेंगे, ठीक। पहली बात तो यह है कि डाइबोरेन जो होती है कलरलेस गैस विद फाउल स्मेल, कलरलेस गैस विद फाउल स्मेल। फाउल स्मेल के साथ ही गैस कलरलेस होती है, सो इट्स अ कलरलेस गैस विद अ फाउल स्मेल, गंदी स्मेल के साथ कलरलेस गैस होती है। स्टेबिलिटी, इट इज ओनली स्टेबल एट लो टेम्परेचर, ओनली स्टेबल एट लो टेम्परेचर। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, ठीक, तो ये हायर बोरेन्स में चेंज हो जाती है, ठीक, हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो जाएगी और हायर बोरेन्स में भी चेंज हो सकती है। अब बेटा ये ना, इसमें स्पॉन्टेनियस कंबशन होती तो रिएक्शन विद एयर देखना, रिएक्शन विद एयर, एयर में ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो B2H6 को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हो, इससे सिंपल भी जिंदगी में कुछ होगा कि बोरोन का भी ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन का भी ऑक्साइड बनेगा। हाइड्रोजन के ऑक्साइड को क्या बोलते हो तुम लोग? वॉटर। और बोरोन के ऑक्साइड को बोरिक एनहाइड्राइड। एंड दिस कंबशन इज स्पॉन्टेनियस एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गिवन, वेरी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, Large amount of energy is given. और इसीलिए मेरे बच्चों, डाइबोरेन is used as fuel in supersonic rockets. It can be used as a fuel in supersonic rockets. बहुत ज्यादा एनर्जी बनाता है तो सुपरसोनिक रॉकेट्स में ये फ्यूल की तरह वर्क करता है। समझ में आई बात? अगला, अगर रिएक्शन विद वॉटर करें, वॉटर के साथ रिएक्शन की बात करें, तो बेटा वॉटर के साथ रिएक्शन अगर करेंगे तो B2H6 वॉटर से रिएक्ट करवा दो, बेटे बोरोन का कोई भी कंपाउंड वॉटर से रिएक्ट करवाओगे तो ऑब्वियसली बोरोन का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन निकलेगी, तो यहां पे H3BO3 बोरिक एसिड और हाइड्रोजन, ये सभी जगह होना है, इसमें कोई पहली बार नहीं हो रहा है, सभी जगह ऐसा ही होता है, ठीक, क्लियर। इसी तरह से बेटे खास रिएक्शन विद हैलोजन,
तो बेटा B2H6 हैलोजन जैसे क्लोरीन से करवा दिया गया, तो आप क्या सोच सकते हो क्या हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है, होना हमारा क्या है, ये इसका जुड़ेगा क्लोरीन के साथ BCl3 और साथ में बाहर का निकलेगा HCl। तो भैया जी बहुत सिंपल, अगर क्लोरीन से रिएक्ट करवाया तो क्लोराइड और HCl, तो कोई खास बात यहां मुझे नजर नहीं आती है जो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली बता दूं। बट हां, अगर इसको HI से रिएक्ट करवाया, ये इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ एक H आयोडीन से रिप्लेस करवाएंगे, एक H को आयोडीन से रिप्लेस करवाएंगे बेटे, ठीक, और बना देंगे B2H5I और बाहर निकलेगा हाइड्रोजन। ऐसे ही अगर इसको HCl से रिएक्ट करवाएंगे B2H5Cl, ब्रोमीन से B2H5Br, क्लियर हो गया, हाइड्रोजन लिबरेट होती इसलिए रिएक्शन विग्रस होता है। बट सच मानो इसमें किसी भी रिएक्शन में कोई दम ही नहीं है, कभी पूछा ही नहीं जाता। पूछा जाता है रिएक्शन विद अमोनिया, वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन विद अमोनिया बहुत 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 इंपॉर्टेंट, इसके आगे वेरी वेरी 1008 श्री वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे करके लगा देने का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। तो मैं थोड़ा सा इसको समझाना चाहूंगा। अमोनिया तीन तरीके से इसमें रिएक्ट कर सकती है, या तो लो टेम्परेचर पे या हाई टेम्परेचर, या तो लो टेम्परेचर पे या हाई टेम्परेचर, ठीक। सबसे पहले विद एक्सेस सर आप म्यूट हो गए, जस्ट वन सेकेंड बेटा। विद एक्सेस ऑफ अमोनिया एट लो टेम्परेचर, टेम्परेचर को रखा लो और अमोनिया को लिया एक्सेस में, तो थोड़ा ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। B2H6 प्लस अमोनिया, टेम्परेचर लो होगा तो ये टूटेगा तो है नहीं, ये आपस में जुड़ेगा B2H6 into 2 अमोनिया। अब ये जो B2H6 into 2 अमोनिया होता है, ये होता क्या है, थोड़ा ये समझना हमने कि इसमें सिर्फ डॉट लगाया था ना हमने, तो ये होता क्या है, देखो बेटे B2H6 into 2 अमोनिया इसको लिखते कैसे हैं, एक्चुअली ये क्या होता है, यानी इट इज इक्विवेलेंट टू, इसमें दो बोरोन थे, एक बोरोन के साथ 2H और अमोनिया लगेंगे, एक बोरोन के साथ 2H और अमोनिया लगेंगे, कितने 2, और यहां पे चार्ज होगा 1+, और दूसरा इसके साथ होगा BH4-1-. अब ये समझो कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ ये समझना बहुत जरूरी है, आगे बहुत काम आए। B2H6 जो था वो दो पार्ट में टूटा होगा, BH2+ और BH4-1-, यानी उसका बनाना बॉन्ड टूटा होगा, एक साइड 2H रह गए होंगे, एक साइड 4 ले गया होगा। अब अमोनिया में होते लोन पेयर्स, इसमें एक पॉजिटिव की वजह से आपका ऑर्बिटल खाली हो गया और एक वैसे ही ऑर्बिटल बोरोन में खाली था, तो 2 अमोनिया इसके साथ जुड़ गए होंगे, तो ये वाली स्पीशीज ये बन गई, ये ऐसे रह गई। सो एक्चुअली दिस इज द स्पीशीज वी हैव, एक्चुअली दिस इज द स्पीशीज वी हैव, ठीक। लेकिन बेटे अगर मैं स्पीशीज को हीट करता हूं, ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा बॉम करता हूं, ठीक, वॉर्म करूंगा तो इसमें एक्स्ट्रा हाइड्रोजन निकलने के बाद बनता है B2B3N3H6, ठीक, यहां पे ये बनेगा। इसको मैं बैलेंस नहीं किया हूं, अगर बैलेंस करना होता तो मैं इधर लिखता 3 BH2
NH3 का होल ट्वाइस वन पॉजिटिव, BH4 वन नेगेटिव, ये तीन है। और अब इसको हीट करो तो बेटा यहां बनेगा B3N3H6। इसके दो मोल बनेंगे क्योंकि तीन बोरोन यहां, छह हो गए कि नहीं, और बाकी हाइड्रोजन जो होगी वो बाहर निकल जाएगी। पर मेरे लिए इंपॉर्टेंट कंपाउंड है B3N3H6 बेटे। इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं, B3N3H6 इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसको बेटा बोराजीन भी बोलते हैं, बोराजीन। याद रखो बोराजोन एक अलग बात थी, बोराजीन एक अलग बात है। बोराजीन और बोराजोल या बोराजीन बोराजोल इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्यों? क्योंकि बेटा दिस इज आइसोस्टीरिक टू बेंजीन। अब आप बोलोगे सर ये आइसोस्टीरिक क्या होता है? बेटे जिसमें नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम तो स्ट्रक्चर भी सेम। हम ये बोलेंगे नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, स्ट्रक्चर तो सेम है ही एक है, पर ये आइसो स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे, आइसोस्टीरिक। कैसे? देखो बेंजीन का फॉर्मूला था C6H6, कितने एटम थे टोटल? 6 कार्बन के 6 हाइड्रोजन के 12। यहां कितने हो गए बेटा हमारे पास? 3 इसके 3 इसके 6 और 6 इसके 12 एटम बराबर है। अगर इलेक्ट्रॉन देखोगे तो बेटे टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कार्बन में होते कितने? 6 × 6 + 6 = 42 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें देखो बोरोन में होते हैं कितने? 5 × 3 + नाइट्रोजन में 7 × 3 + 6। आप ध्यान दोगे ये भी 42। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम और नंबर ऑफ एटम्स भी सेम, इसलिए इसको आइसोस्टेरिक बोलते हैं, ना कि अकेला आइसोस्ट्रक्चरल। बहुत सारे लोग आप इसको आइसोस्ट्रक्चरल बताएंगे, बट दिस इज नॉट आइसोस्ट्रक्चरल, दिस इज आइसोस्टेरिक स्ट्रक्चर। डेफिनेटली इसका बेंजीन की तरह है, बेंजीन का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं ऐसे C C C C C C, ऐसे बनाते हैं, डबल बॉन्ड दिखाते हैं यहां पर और सबके साथ H जोड़ दिया करते हैं। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, दिस इज बेंजीन। अब इनऑर्गेनिक बेंजीन जो है उसमें B N B N B N B, और नाइट्रोजन जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा विद बोरोन। ये नाइट्रोजन यहां और ये नाइट्रोजन यहां, और हर एटम के साथ H लगेगा तो बेटे स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगा सेम जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर था। ठीक, ये बोराजीन है। ठीक है जी, तो जब एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ लो टेम्परेचर पे हीट करें तो पहले ये कंपाउंड बनता है। इसका मैंने वेआउट तुम्हें बताया कि कैसे होता है, कि पहले टूटता है और फिर अमोनिया उसका जुड़ता है और उसको हीट करो तो दैट चेंजेस इनटू इनऑर्गेनिक बेंजीन। ठीक जी, तो लो टेम्परेचर का तो समझ में आया, बट अगर दूसरी बात विद एक्सेस ऑफ अमोनिया एट हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई कर दिया ना बेटा तो सब कुछ टूट जाए, टेम्परेचर हाई कर दिया तो सब कुछ टूट जाएगा। और सब कुछ अगर टूटा, ठीक, यहां एन लगा दो एन यूनिट्स और यहां डबल देन एन, तो यहां बनता है बीएन, बोरोन नाइट्राइड, जिसको बोराजोन बोला था हमने, याद होगा
ये बोराजोन बनेगा। तो यहां बोरोन नाइट्राइड के एक्स, ठीक है जी, बोराजोन और हाइड्रोजन इज गिवन ओवर। तो ये बोराजोन, बोराजोन, ये बोराजीन, ये बोराजोन, यहां पे बोराजोल, बोराजीन और बोराजोल एक ही बात है, लेकिन बोराजोन अलग है। ये इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट होता है, पहले भी बताया, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट होता है, ये पहले भी तुम्हें बताया है बेटा मैंने, ठीक। तो आई थिंक सो बोरोन के रिएक्शन, ये जो आपके पास डाइबोरेन के रिएक्शन है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कोई दिक्कत है तो जरूर पूछिए, बोलिए बेटा समझ आया तो यस करिए, नहीं आया तो पूछिए। अवनीत का यस आ गया सर, ये रिएक्शन दोबारा बता दो। कौन से वाला पुत्र, ये वाला या ये वाला? अब जो अभी कराया सर, ये वाला। यस सर। देखो बेटे, अगर टेम्परेचर हुआ हाई तो ये सारा टूट जाएगा, ये भी सारा टूट जाएगा। तो बेटे बोरोन पॉजिटिव, नाइट्रोजन नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव आपस में जुड़े और ये आपस में जुड़े, तो भैया बी एन बन गया और हाइड्रोजन बाहर हो गई। बोलो क्लियर? यस सर। सो वेरी सिंपल है, इसमें कोई बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। इसको मैंने बैलेंस नहीं किया हुआ, बस यहाँ पे सिक्स एन लिख दिया है, एन एन के टर्म्स में किया, पर आप समझ लो ना, ये बोरोन थ्री पॉजिटिव बनेंगे और यहाँ नाइट्रोजन थ्री नेगेटिव बनेंगे, ठीक। हाइड्रोजन यहां से पॉजिटिव, यहां से कैसा आएगा नेगेटिव, और यहां से कैसा आएगा पॉजिटिव। तो ये आपस में जुड़े, इसने बनाया बी एन, ये आपस में जुड़े, इसने बनाया हाइड्रोजन, इसीलिए तो बी एन एंड हाइड्रोजन बना। बोलो क्लियर और नॉट? तो बेटा ये थी रिएक्शन ऑफ डाइबोरिन। अभी लास्ट बात जो हमारे पास है वो है हलाइड्स ऑफ बोरोन। बेटा ऑलरेडी वी हैव डन हलाइड्स ऑफ बोरोन इन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके सारे क्वेश्चन, सारा कुछ हलाइड्स ऑफ बोरोन, जैसे BCl3, BBr3, Bi3, लुईस एसिड का नेचर, और आपको बताया था BBr3, Bi3 is a better Lewis acid than BBr3, which is better than BCl3, which is better than Bi3, BF3 due to back bonding. वो सारा कॉन्सेप्ट आपको मैं हैलाइड्स का बता चुका हूं, जितने हैलाइड के क्वेश्चन, ठीक, वो ऑलरेडी डन है। तो हैलाइड्स में बैक बॉन्डिंग होती है, उसके सारे क्वेश्चन ऑलरेडी डन है। सो दिस एंड्स अप विद द बोरोन फैमिली। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये बोरोन फैमिली मैंने आज आपके साथ खत्म कर दी है, ठीक। कार्बन फैमिली शुरू करनी है, पर आई थिंक सो आज ना ही करें तो ठीक है, अगर आप बोलो तो कर देते भाई। तो सर,